उधर मालपुर गांव से होकर गुजरने वाली SH-88 पर दो मोटरसाइकिल के टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धक्का मारने के बाद अपाची सवार बाइक लेकर भागने लगा। ग्रामीणों ने भागते देख उसका पीछा किया और मनियारी चौक के पास उसे पकड़ लिया और उसे घटनास्थल पर लाकर घर में बंद कर दिया। साथ ही शव को सड़क पर रख मुआवजे की मांग करते हुए परिजन सहित आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया और अपाची सवार को गिरफ्तार कर थाने ले आई। उधर नरकटियागंज के दलित बस्ती में लगी भीषण आग से दर्जनों लोग बेघर हो गए। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं समय पर दमकल नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश देखा गया। ये पूरी घटना भपटा पंचायत के गोपालपुर गांव की है। उधर रोटरी क्लब नरकटियागंज ने गिफ्ट ऑफ लाइफ के अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के जमुनिया ग्राम के 4 वर्ष के बालक मंजीत कुमार को नया जीवन प्रदान किया है। जमुनिया को बाल्यावस्था से ही दिल में 2 छिद्र थे, जिसका पता पिछले 3 माह पूर्व उसके माता पिता को लगा। रोटरी क्लब के गिफ्ट ऑफ लाइफ के शिव बगेड़िया, जो रोटरी क्लब गिरिडीह के सक्रिय सदस्य है, उनसे संपर्क किया और उनके अथक प्रयास से IMS कोच्चि में निःशुल्क सफल ऑपरेशन हुआ और बच्चे की जान बचाई जा सकी। पता चला कि पूर्णिया का एक लड़का है, जो रमेश जी का लड़का है, मंजीत कुमार, उसके हार्ट में छेद है और हमको संपर्क किए और हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, के क्या नाम रमेश प्रसाद जायसवाल जी, वे मीटिंग रखे। इस मीटिंग में हमारे क्लब के जितने सदस्य हैं सभी ने मिल करके कहा कि नहीं, इस कार्य को कराया जाए। तो रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा एक गोल रखता है, जिसे हम लोग गिफ्ट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम लोग देवघर के श्री शिव बागड़िया साहब से हम लोग संपर्क किए, जिनके माध्यम से यह सारा कार्य हुआ और इस लड़के का ऑपरेशन कोची में हुआ। नाम बताइए। कर्जा थाना क्षेत्र के पताही हवाई अड्डा के समीप बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के मैनेजर कृष्णा कुमार को रुपए से भरा बैग लूटने के दौरान गोली मार दी। इलाज के लिए मैनेजर को मां जानकी अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पहुंचे पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। वही SSP मनोज कुमार ने अपराध नियंत्रण में विफल रहने पर कर्जा थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। रिलायंस पंप का मैनेजर है, सुबह वहाँ से 9 बजे साथ चला है, पैसा उछल रहा ही होगा, बैग छीना है, गोली मारा है, भागा है। हम कुल्हनी घर पड़ता है, बार बार आपके पास तो हम पर भी गोली चला था ना। किसी को गोली लगी है, ठीक है, गोली लगी है, उनकी मृत्यु हो गई है। विशेष वरीय प्राधिकारी आप लोगों को बताएंगे। बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के सिमराव पंचायत अंतर्गत परमान पट्टी गांव के प्रदीप सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग में 93वां रैंक लाकर न केवल अपना ही नाम रोशन किया बल्कि पूरे जिले का नाम भी रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद प्रदीप सिंह पहली बार अपने पैतृक गाँव पहुंचे, जहाँ उस गाँव के मुखिया रामजी शाह ने ग्रामीणों के साथ गाजे बाजे से भव्य स्वागत किया। वहीं प्रदीप सिंह के आने की सूचना मिलते ही हथुआ राज के राजा महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही ने अपने हथुआ पैलेस महल में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। मैं प्रदीप सिंह है, मैं गोपालगंज के ग्राम प्रमाणपट्टी से बिलोंग करता हूं और इस साल UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेरी 93rd रैंक आई है और इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। देखिए, मेरा जीवन नहीं सबका जीवन संघर्ष बड़ा है और जो 759 लोग इस बार सेलेक्ट हुए हैं, 759 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट का जीवन संघर्ष से भरा होता है, चाहे वो अमीर घर की हो चाहे गरीब घर को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई लड़की है अमीर घर से तो उसे घर से बाहर निकल कर प्रिपरेशन करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कोई लड़का है अमीर घर से तो हो सकता है उसे 5-6 अटेम्प्ट लग जाए, तो 5-6 साल जीवन के देने पड़ते हैं। तो मेरा संघर्ष भी है, सबका संघर्ष है और मोटिवेशन इस बात से मिलता है कि मैं अपने घर की कंडीशन सुधार सकूं और मेरे दादाजी का सपना पूरा कर सकूं जो उन्होंने देखा था। मेरी मातृभूमि है और मैं चाहता हूं कि आगे मेरी कर्मभूमि बने।
ये है कि ये इट्स जस्ट अ बिगनिंग, इट्स नॉट द एंड. ये एंड नहीं है, ये बिगनिंग है. आगे भगवान जहाँ चाहते हैं वहाँ मेरी राह जरूर जाएगी. आपने इतने कम उम्र में सफलता को, मतलब ये ग्रैंड सक्सेस है, मतलब इतने 22 साल की उम्र में आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस सफलता को हासिल किया, तो कुछ युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को तो यही कहूंगा कि अपने जो भी आप सपना देखते हो, उस सपने को अगर आप देखते हो तो सपने को पाने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश करो, और शरीर की एक हड्डी उसी शरीर की एक हड्डी और शरीर का रोम रोम उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से ठोकना पड़ता है. आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आप इस सफलता को आप किस नजर से देखते हैं, अपने हिसाब से क्या देखते हैं? ये मेरा बचपन से सपना था कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊं जहां से मैं पूरे समाज को, सोसाइटी को एट लार्ज में सर्व कर पाऊं, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, तो ये एक तरह से अवसर भी है और चुनौती भी है. तो मैं इसे अवसर और चुनौती दोनों के रूप में मानता हूं, और आगे मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा कि इस अवसर को अपनी चुनौती के रूप में भुना सकूं. उधर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के वीरता चौक स्थित एक जनरल स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है. बताया जा रहा है कि पहले चोरों ने शटर खोलने का असफल प्रयास किया, फिर दूसरे तरफ से ग्रिल से हाथ लगा कैश काउंटर को गिरा दिया व स्क्रू ड्राइवर से गल्ला को जबरदस्ती खोल कैश उड़ा ले गए. इधर सूचना पर पहुंची घोड़ासहन पुलिस तहकीकात में जुट गई है. दुकान से 30,000 रुपया नकद कैश ले लिया, उसके अलावा 10,000 रुपया नेपाली जो कैश था वो ले लिया, 5-6 पेटी कोल्ड ड्रिंक ले लिया. पूर्वी चंपारण के बनकछुआ प्रखंड अंतर्गत बिजबनी बिचला टोला में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई. हवा के कारण आग की लपटों को देख ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, पर नाकाम साबित हुए. अंततः घोड़ासहन से अग्निशामक गाड़ी आने के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर में रखे साइकिल, कपड़े, बर्तन, अनाज आदि चीजें जलकर खत्म हो चुकी थी. समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के माहे में अपराधियों ने सरपंच, पति, सह कांग्रेस नेता अरुण सिंह एवं पुत्र मानस कुमार को गोली मार दी, जिससे सरपंच और पति की मौत हो गई. वहीं पुत्र मानस कुमार घायल हो गया. मानस की स्थिति गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया. लोगों का कहना है कि शराब कारोबारी द्वारा शराब बिक्री किए जाने के विरोध करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है. बउआ का आवेदन दिले, बउआ के परसों रात गोली मारल जात रे. के बउआ? ओकरा बचेलिए, वो सुजीत कुमार आवेदन दिल छे. ठीक छे, पिस्टल के बट से हैया मारलके. ओ दिन हम बच के निकल गेलिए. भोर में पापा रोड पर खड़ा रहथिन, पंचायती में जात रहथिन. उससे पहले से हथियार लेके रहे. जब पापा के गोली मार दलके वहाँ पहुँचलिए, तब फिर हमारा गोली मार दलके. तोरो मन हैया लागल छे? मारलके के? मारलके के? विनय सिंह गणेश, हथियार टोटल गणेश सिंह दलके. ठीक छे, ये विक्रम सिंह हमरा गोली मारलके, पापा के विनय सिंह मारलके. सौरभ भी रहे, विपिन भी रहे, ज्यादा विपिन नाम सौरभ कुमार सिंह. गोली हमको मारा है विक्रम कुमार सिंह जी, आ पापा को मारा है विनय कुमार सिंह गोली. गणेश सारा हथियार लेके दिया है, सौरभ भी था. जो मेरे पास शिवपुर में भी मैं आईजी साहब को शराब बेचता है, शराब रोकने के लिए हमारा पापा. कैसे पिताजी की हत्या की गई है? गोली मारकर, मतलब वो शराब का विरोधी थे और मेरे घर के बगल में ही शराब है. गांव में कि पूरे पंचायत में खुलेआम शराब बिकता था. ठीक है, उनका विरोध करते थे, रात में विरोध किया और सुबह में सब मिल करके जो शराब कारोबारी है साजिश के तहत मिल करके वो खेत से आ रहे थे, घेर करके उनको गोली मार दिया, उनकी हत्या हो गई. उसको बचाने के लिए मेरा भाई गया, उसको भी गोली मार दिया. वो DMCH में भर्ती है. किसी छोटे से विवाद पे गोली मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई,
और उनका बेटा घायल हो गया, जिसको पैर में गोली लगी। अनुसंधान किया जा रहा है, अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। आपराधिक सर पहचान हो पाई? हाँ, पहचान हो गई।